यो गाइस व्हाट्स अप, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बोला था ना जल्दी लेके आएंगे अगली वीडियो, और आ गई हमारी वीडियो। तो आज हम उठ चुके हैं 8 बजे। 8 बजे नहीं उठे थे वैसे, हम 7 बजे उठ चुके थे। फिर हमने कल वाली जो वीडियो थी, जो कि आपने देखी ली होगी, उसको एडिट करके अभी अपलोडिंग पे लगाया है, तो थोड़ी देर में भी अपलोड हो जाएगी। आपने तो खैर देखी ली होगी। तो आज हम इसलिए जल्दी उठे थे, नहीं तो हम कल की तरह 8-9 बजे ही उठने वाले थे। तो अभी हम हैं खेतों में, फ़िलहाल देखने के लिए आए हैं खेतों की क्या हालत है। तो देख सकते हैं कल हमारे जो खेत है वो सारे बो दिए गए हैं। चारों तरफ खेत बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे हैं, इनमें फसल वगैरह बो दी गई है। तो कुछ दिनों में फसल उगना शुरू हो जाएगी, वो भी आपको दिखाएंगे। हम वैसे सोच रहे थे कि गेहूँ की जो फसल होती है इसके ऊपर एक पूरी वीडियो बनाएंगे, मतलब कि हर बीक एक एक फ़ोटो लेके रखेंगे इसकी, कि हर एक बीक के बाद गेहूं की जो फसल है वो खेतों में किस तरह से दिखाई देती है। तो आज एक फ़ोटो आज लेके रख देंगे, क्योंकि हमने कल ही बोई थी। तो अगली फ़ोटो अगले बीक आएगी, उससे फ़ोटो अगले, उससे अगले बीक, और ऐसे करके हम सारी फ़ोटो को मिक्स करके जब पूरी गेहूँ की फसल तैयार हो जाएगी तो उसकी एक स्पेसिफिक वीडियो बना के डाल देंगे। तो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा नॉलेज वाली बात हो जाएगी, क्योंकि कुछ लोगों को नहीं पता कि कैसे गेहूं की फसल तैयार होती है, इसमें कितने दिन लगते हैं। वैसे हमें भी पूरा पता नहीं है कि कितने दिनों में तैयार हो जाती है, तो हमें भी थोड़ा बहुत पता चल जाएगा। तो ये प्लान भी काफ़ी अच्छा है। खेतों में धूप तो काफ़ी अच्छी लगती है, लेकिन ये जो पैरों में मिट्टी लग जाती है ना, वो बहुत ही गलत बात है, क्योंकि अभी ये ताज़ा ताज़ा खेत कोई बुआई हुई है तो इसमें मिट्टी आ गई है ऊपर, और तेल पड़ने से, तेल यानी ओस पड़ती है रात को, तो उसकी वजह से ऊपर ऊपर से गीली हो जाती है और पैरों में फंसने लगती है। अभी तो आपको ये हरे हरे पत्ते बूटी वगैरह दिखाई दे रहे होंगे, ये घास वगैरह, लेकिन कुछ महीनों के बाद जनवरी फरवरी में जब हम खेतों में आएंगे तो ये सारे सफ़ेद होंगे, क्योंकि इनके ऊपर कोहरा जम जाता है, बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है और सूखी ठंड पड़ती है। यहाँ पे बर्फ़बारी भी नहीं होती है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि सूखी जो ठंड होती है वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक होती है दोस्तों, हड्डियाँ कंपा देती है। इसको ज़्यादा ठंड हो रही है, इसको भी देखो कैसे चद्दर वगैरह उड़ के बैठी है, लेकिन हमारी कैली जी को ठंड नहीं लगती। कैली जी वेरी ब्रेव, तुमको भी नहीं लगती क्या? उधर के देख रही है। ओए व्हाट आर यू डूइंग, ईटिंग माय कपड़ा, नॉट गुड। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ वापस खेतों में, ये बड़ी सी भारी सी बोरी लेके, इसमें है बीज जो आज बोएंगे इन खेतों में। जो खेत कल रह गए थे आज उनको बोएंगे, तो ट्रैक्टर आ चुका है, अभी ऊपर वाले खेतों में बो रहा है, उसके बाद यहाँ पे बोएंगे। बोरी बहुत भारी थी, हम थक गए। आप देख सकते हैं इस बोरी में लगभग 25 या 30 किलो के आसपास गेहूं होगी, और ये सारी गेहूं ही इन खेतों में डाल दी जाएगी, इनमें शायद ही कुछ बचे इसमें से, लेकिन जब फसल तैयार होगी तो बदले में हमको कभी इससे ज़्यादा गेहूं भी मिल सकती है, कभी इससे कम भी मिल सकती है। तो एक तरह से इन्वेस्टमेंट ही होती है, और मौसम और फसल की गुणवत्ता के ऊपर निर्भर करता है कि कितनी फसल तैयार होगी, बदले में हमको प्रॉफिट होगा या लॉस। वैसे प्रॉफिट लॉस इसमें कुछ नहीं होता, क्योंकि इसके तो कौन से पैसे लगते हैं, इसको हम ही उगाएंगे और हम ही खाएंगे, अपना ही गुजारा होता है। इसी चीज़ को मिट्टी में बोया जाता है, इसी चीज़ को वापस लाने के लिए। शायरी थोड़ी ना सुना रहा हूँ, आगे की कोई लाइन नहीं है। तो अभी जब तक खेतों में हल बो रहे हैं तब तक हम घर जाके चाय वगैरह बना के ले आते हैं, और बाकी काम तो हो ही जाएगा। अभी खेतों में दाने वगैरह छिड़का दिए हैं, अभी सिर्फ बोना ही रह गया है। तो अभी अभी हल बोते बोते हमको एक और काम आ गया, तो हम निकल पड़े हैं एक और काम से। काम क्या है वो तो आगे जाके देखेंगे, अभी हमें भी नहीं पता, तो फटाफट चलते हैं, हम लेट हो रहे हैं। मैं तेरा ले गया ना, आज पैरों में लग चुका है बढ़िया बढ़िया ताज़ा ताज़ा गोहा। कैसा फील हो रहा है आपको? तो आज बना रहे हैं ये चिक, इसको लगाना है यहाँ पर, जगह तो काफी बड़ी और बढ़िया। वो देखो जॉन डियर घास काटो मंत्री, क्या कर रहा है? मैं तेन बोले चाह नहीं पीनी, तू फिर चाह पी गया। ये लगाई गई है मशीन पेड़ों के पत्तों को छांगने के लिए, थोड़ा थोड़ा वो दूर तक दीवार काफी ऊंचा, और दीवार के पार में खड्ड ही खड्ड।
और ये सारी लोकेशन है गोनपुर बनेड़ा सत्संग सेंटर की। कौन सा पौधा ये कमेंट करके बताओ। भाई साहब बीड़ी पीने लगे क्या? उधर क्या काम चला है, थोड़ा सा जूम मार के देख लिया जाए। घास बास पहला शेयर को लंगर भाई तू का पहले लग पिया। तो भाई हमारा खाना पीना सब हो चुका है, अभी कुछ काम होगा तो करेंगे नहीं तो सो जाएंगे। बस भाई बहुत हो गया, चल करे हूँ। ये चला लेंदा चलाइए, लाइट आई नहीं रही खाली। सुबह जो हम गोहा गा रहे थे उसको यहाँ पे अच्छी तरह से लगा दिया गया है, ऊपर काफ़ी बढ़िया सी टीन लगाई है यहाँ पर। ये जो मशीन है इसके द्वारा काटा जाता है घास, नीचे से दिखती है कुछ ऐसी ऊपर से कुछ ऐसी। चाबी है नहीं तो ऐसी ले जाते। जहाज की आवाज़ आ रही है बहुत दूर से, लेकिन है कहाँ पे भैया जी, किधर जा रहे हो? माली साहब कौन सा पौधा ये? तुणी का पौधा, लाइव देखिए। ट्रेन आ गई बैठो, क्या किधर हो रही? तो स्पीड की तो होनी फड़ लेनी है। ये क्या अचानक से बारिश लग पड़ी, कहाँ से आ रही है ये? ओ भाई साहब बड़ी देश। सो गाइस आ चुके हैं वापिस अपने घर की तरफ। किसका फोन आ गया? तो अभी चलते हैं अपने अपने घर को। आगे दूर एक कुत्ता हमको गोरा था, कौन है ये? अरे ये तो जैकू है। जैकू हाउ आर यू कली? हाय क्या कर रही थी? तो दोस्तों घर पहुंचते पहुंचते आज 5 बज चुके हैं, अभी खेलने तो जा नहीं सकते, टाइम हो चुका है क्योंकि। तो अभी मैं तो जा रहा हूं वैसे घास लाने, आप लोग भी अपना काम वाम देखिए कुछ क्या करोगे सुबह सुबह, काम वाम करो जाकर। तो इस वीडियो को करते हैं एंड, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खत्म बाय बाय। सेल्फी मैंने ले लिया, अब तू भी ले। टाटा गुड बाय गया।